उत्तर प्रदेश के बलिया से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रेवती थाना क्षेत्र दुर्जनपुर गांव में राशन की दुकान की खुली बैठक में दो पक्षों में विवाद में चली गोली में एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि यूपी में कानून व्यवस्था किस कदर चरमरा गई है, इसका नज़ारा देखने को मिला। बलिया जनपद में जहां दबंगों को न अधिकारियों का डर है और न ही वर्दी वालों का खौफ। दरअसल रेवती थाना अंतर्गत दुर्जनपुर गांव में राशन की दुकान के चयन को लेकर खुली बैठक थी, जिसमें एसडीएम सीओ और एसओ सहित गांव के सैकड़ों लोग मौजूद थे। इसी दौरान स्वयं सहायता समूह का समर्थन करने वाले आपस में भिड़ गए, जिसके बाद अधिकारियों ने चयन प्रक्रिया को रोक दिया। इसी दौरान दो पक्षों में विवाद शुरू हो गया और दबंग धीरेंद्र सिंह ने फायरिंग शुरू कर दी। कई राउंड फायरिंग की वजह से जयप्रकाश पाल को गोली लग गई। वहीं इलाज दिए जाते समय जयप्रकाश की रास्ते में ही मौत हो गई। घटना के बाद दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। वहीं पुलिस के सहयोग से मामले को शांत कराया गया। वहीं आपको बताते चलें कि गरीबों को बांटे जाने वाले राशन के कोटे की दुकान के लिए गांव में अक्सर ऐसे विवाद होते रहते हैं, पर इस घटना में जिस तरह भाजपा विधायक के करीबी आरोपी धीरेंद्र सिंह ने अधिकारियों की मौजूदगी में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, ये घटना यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल या निशान खड़ा करती है। सैफी 24 न्यूज़ के लिए सदर सैफी की ये स्पेशल रिपोर्ट। अभिषेक कुमार पाल, मैं दुर्जनपुर का रहने वाला हूं। क्या मामला हुआ आज आपके गांव में? कोटे को लेकर बैठक हुआ था, उसमें सब एसओ साहब सब मौजूद थे, गांव के पूरे जनता मौजूद थी। एसओ साहब से जो डब्ल्यूसी दबंग है उनसे बात विचार हुआ और उसी कहा सुनी हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली। कौन मारा? डब्लू सिंह। क्या मारे? 20-25 राउंड मारे। क्या हमारे बीच गोली जी? आपके पिताजी को कितनी गोली मारी गई? 20-25 गोली चलाई गई, जिसमें से दो तीन लगी पिताजी की। हाँ, तो क्या अभी जीवित हैं? नहीं, मर चुके हैं। घटना पर कौन कौन था वहाँ पे? घटना पर बस हम लोग, जब घटने की संख्या थी जब गोली कर ली थी, 500-600 की थी।
जी, क्या उधवंग व्यक्ति जो गोली मारा था पकड़ा गया या वहाँ से? नहीं, वहीं पे पकड़ा गया। वहीं पकड़ा गया। ये बताइए अधिकारी और पुलिस में कौन कौन था वहाँ पे? एसओ साहब थे और एसडीएम साहब थे और सीओ थे और सब पुलिस वुलिस थे। तो उनके सामने ही ये सब घटना हुई? उनके सामने ही सब घटना हुई। मारने वाले व्यक्ति आपके कौन है? पिताजी हैं। अधिकारी जो मौजूद थे उनके सामने ही गोली चली है? हाँ। क्या चली? गोली। गोली मारने वाला कौन व्यक्ति है? धीरेन्द्र प्रताप उर्फ डब्लू सिंह। क्या ये किसी किस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं? सुरेंद्र सिंह से, विधायक। बताइए सर घटना के विषय में। आज ग्राम दुर्जनपुर में सरकारी कोटे की दुकान के लिए चयन प्रक्रिया चल रही थी। इसमें दो सहायता समूह के लोग थे। एक सहायता समूह का समर्थन धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्लू सिंह कर रहे थे और एक दूसरा सहायता समूह था। उस सहायता समूह से और इनके बीच में पहले खासुनी हुई। जब हंगामा लोग करने लगे तो एसडीएम ने इसकी प्रक्रिया को बाधित होते देखकर बंद कर दिया। यहाँ शेष लोग जा रहे थे, इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक आदमी को, जयप्रकाश उर्फ गामापाल को, गोली लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के अन्य समस्त तथ्यों की जानकारी की जा रही है, पूर्ण करके इसे विधिक कार्यवाही में समस्त की जाएंगी। सर यहाँ जो है पीएससी की मांग की गई थी ग्रामीणों द्वारा, कोई ऐसी रिपोर्ट और सूचना नहीं है। पर्याप्त पुलिस बल है, यहाँ लगा हुआ है और लगा हुआ भी था। जैसा भी होगा सब चीज़ों की जानकारी की जा रही है आपको।